गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का। अब फिर मंगल गान उठा, अब फिर मंगल गान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, करवट बदली अंगड़ाई ले। सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों सदस्यों का गुलदस्ता ऐसा होना चाहिए कि किसी भी भूभाग के व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई फूल इस गुलदस्ते में है। समाज के हर वर्ग को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई प्रतिनिधि इस गुलदस्ते में है। पड़े हुए समाज के अग्रवर्ग के लोगों को भी लगना चाहिए इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। अनपढ़ गरीब जिसको जिंदगी में जीने के लिए कठिनाइयों से जीना पड़ता है उसको भी लगना चाहिए कि इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। समाज के सब वर्ग के लोग, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार ऐसे हो जो सर्व दूर हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो और सर्वजन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि देश के 22 से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केंद्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरुआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे। भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हुई। ये प्रशिक्षण कार्यकर्ता के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति कार्यकर्ता के मन में, नए कार्यकर्ता के मन में आस्था जगाना और उसके काम को गति देने वाला प्रेरक बल पार्टी के सिद्धांत बने, इसके लिए भी जरूरी है। मगर आज ये प्रशिक्षण और भी एक मायने में जरूरी है। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का जो एक बहुत बड़ा ताकत हमने एकत्रित किया है, संचित किया है, वो एक संवेदनशील और राष्ट्र के विकास को, सिद्धांतों को समर्पित, हमारी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करने वाले कार्यकर्ता बने, इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर बहुत जरूरी है। इस अभियान की सफलता का आकलन महज इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का ये दुनिया का पहला एवं सबसे बड़ा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए। हर एक कार्यकर्ता एक ही उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है और उसका वो उद्देश्य है भारत माता की जय। एक ही उद्देश्य है उसके जीवन का,
कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते दुनिया में भारत माता का सम्मान कैसे देख सकूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सारी दुनिया में जाकर जिस ढंग से भारत माता का सम्मान बढ़ाया है, ये इस बात का परिचायक है। जो एक कार्यकर्ता अपने मन में स्वप्न देखता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में किस बात के लिए आया हूं, तो अपने ध्यान में हमेशा ये बात रहे कि अपना उद्देश्य भारत माता की जय। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या जो 11 करोड़ सदस्य हैं, उसमें 11 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को दायित्व मिला है, संपूर्ण देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, केंद्र सरकार और कई प्रदेशों में सरकार और कई नगर पालिकाओं के उस पर हमारा आधिपत्य, और कई प्रदेशों में ग्राम पंचायत में भी चुनाव जीतना, और कई प्रदेशों में सहकारिता क्षेत्र, संपूर्ण देश में पार्टी के पास जिस प्रकार की सफलता मिल रही है, वह सफलता स्थायी हो और परिवर्तनकारी हो और जनता के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, एक प्रकार से सुशासन देने वाला हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये नया आयाम है। We want a man with capital A. मुझे मनुष्य चाहिए, लेकिन कौन से मनुष्य चाहिए? जिनके जीवन के अंदर महान उद्देश्य हो, विद कैपिटल ए, जिनके सामने बड़ा लक्ष्य हो, जिनके जीवन के सामने एक दिशा हो, ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसलिए हमारे संगठन की पद्धति क्या है, हम मनुष्य को खड़ा करते हैं। इस मनुष्य के लिए हमने एक नाम दिया है, कार्यकर्ता। जी कहते हैं, व्यक्ति में से समाज को नहीं निकाला जा सकता और समाज में से व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता। समाज से व्यक्तियों को निकाल दोगे तो शून्य हो जाओगे, और व्यक्ति से समाज को निकाल दोगे तो भी शून्य हो जाओगे। इसलिए व्यक्ति बनाम समाज नहीं, व्यक्ति और समाज एकाध। द्वितीय चरण में प्रभावी ढंग से मीडिया को संभालने तथा अलग अलग प्रकार के मीडिया माध्यमों से व्यवहार करने हेतु कार्यकर्ताओं को स्पष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना बनी है। सोशल मीडिया में भी जो नॉर्मल व्यवहार के जो एटिकेट्स हैं, जो मैनर्स हैं, जिस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी वर्कर के नाते, उसी तरह हमें सोशल मीडिया पे भी रहना चाहिए। कृषि क्षेत्र में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सके, वर्षा के पानी को कैसे स्टोर करें, इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे समझकर उपयुक्त खेती करें, आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। नरेंद्र मोदी पहली बार एक मिसाल के तौर पर गुजरात में जो बॉर्डर खड़ा किया, उसको सबसे अच्छी तरीके से हम लोग एक प्रयोग के नाते देश भर में, और इसको बोलना चाहिए और इसको अडॉप्ट करने के लिए प्रदेशों को बोलना चाहिए। इस प्रशिक्षण अभियान में वे तमाम मंत्री, पार्टी नेता तथा सम्मानित कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शुरू से जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए हम सब इस अभियान को एक नई मजबूती प्रदान करें, जिसमें हो सबका साथ सबका विकास। अरुण गगन पर महा प्रगति का, अरुण गगन पर महा प्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा, अब फिर मंगल गान उठा।
बदली।